हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि जो आईसीआई की वेबसाइट पर अनाउंसमेंट्स में जो स्टूडेंट्स सेक्शन में आपको मिल जाएगी, उसमें जो आईपीसीसी के इनकम टैक्स के कुछ टॉपिक्स को, जिसमें बताया गया है कि जो स्टडी गाइडलाइंस हैं इनको रिमूव कर दिया गया है, तो क्या वो वाकई सिलेबस में से रिमूव हो गए हैं? तो देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई जो स्टडी गाइडलाइंस वहां पर अभी आपको नोटिफिकेशन में मिली हैं, ये कोई न्यू गाइडलाइंस नहीं है। जिन बच्चों ने स्टडी मटेरियल को उठाकर नहीं देखा, तो आप अपने स्टडी मटेरियल को उठाकर देखें। आपको जो इनकम टैक्स का फर्स्ट मॉड्यूल है, जो आपके पास अवेलेबल होगा, जो आपको आईसीआई से आता है, जो फर्स्ट मॉड्यूल है, आप उसमें इनिशियल पेजेस को खोलकर देखें, तो आपको स्टार्टिंग में ये मिल जाएगा स्टडी गाइडलाइंस, जहां पर प्रॉपर वो पेजेस लगे हुए हैं और टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं कि ये आपके सिलेबस में नहीं है और आपने नहीं पढ़ने हैं। लेकिन जिन बच्चों को भी ये लग रहा है कि शायद ये अभी एकदम अनाउंस कर दिया गया है कि ये चीजें आपके सिलेबस से बाहर हो गई हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आपके पास ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके बुक्स में अवेलेबल है, इसलिए आप इसको कोई न्यू बात ना समझें। आपके बुक्स में इनिशियल पेजेस में मॉड्यूल 1 में इनकम टैक्स के ऑलरेडी वो स्टडी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि इनकम टैक्स के कौन कौन से टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ने हैं, और आप देखना स्टडी मटेरियल में आपको वो टॉपिक मिलेंगे भी नहीं जो आपने नहीं पढ़ने हैं। मींस उनको चैप्टर्स में कवर भी नहीं किया हुआ है। गाइडलाइंस तो आगे लगी ही हुई है और साथ में जो वो टॉपिक्स नहीं एप्लीकेबल है वो आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर हम बात करें जीएसटी की, तो जो जीएसटी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है कि कुछ टॉपिक्स आउट ऑफ सिलेबस है, आपको नहीं पढ़ने हैं, वो वहां पर एक छोटी सी लिस्ट लगी हुई है कि कुछ डेफिनेशन है जो आपने अपने सिलेबस में नहीं कवर करनी है। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है उसकी, वो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको एकदम पता चला है या पहले पता था या नहीं पता था, वो आप वहां नोटिफिकेशन में से देख सकते हैं। मैं आपको एक बार बता भी देता हूं कि नोटिफिकेशन आपको, आप आईसीए की वेबसाइट पर जब स्टूडेंट्स सेक्शन में जाओगे, तो वहां पर अनाउंसमेंट्स जो है बोर्ड ऑफ स्टडीज की, अनाउंसमेंट्स को खोलकर आप वहां पर इंटरमीडिएट या आईपीसीसी की स्टार्टिंग वाली अनाउंसमेंट्स को देखना। फर्स्ट सेकंड में ही आपको ये मिल जाएगा कि कौन सी गाइडलाइंस हैं जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी के टॉपिक्स को बताया गया है। फिर से क्लियर कर देता हूं, जो इनकम टैक्स के गाइडलाइंस के हिसाब से जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ने हैं, वो आपके आईसीए के मॉड्यूल में भी गिवन है और वो मॉड्यूल आपके हाथ में ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने नहीं देखा है या ऑलरेडी देखा हुआ है, ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है। इसलिए सिर्फ जीएसटी के लिए आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें वहां पर नोटिफिकेशन में कि कौन कौन से टॉपिक सिलेबस से बाहर हैं, और इसके अलावा कोई खास मेजर चेंज नहीं है उसमें। तो चलिए, मेरे ख्याल से अगर किसी को अभी भी डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकता है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।